केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर जो माहौल जनता दल यूनाइटेड के अंदर बना हुआ है वो जग जाहिर है। बहरहाल कुछ बयान कुछ दिन पहले ही निकलकर ऐसे आरसीपी सिंह की तरफ से आए जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए। बहरहाल आज जो हमने आपको एक बड़ी खबर दिखाई थी वो बड़ी खबर ये थी कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक जो ट्वीट था वो बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो कि तेलंगाना का था उससे किया गया था, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का स्वागत किया गया और ये स्वागत उनके भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के पहले किया गया है। जैसे ही ये विषय चर्चा में आया उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के जो दौर हैं वो देखने को मिले। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा सभा में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है और जानकारी दी है कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। आगे सुशील कुमार मोदी लिखते हैं कि किसी सरकारी कार्यक्रम के लिए आरसीपी सिंह हैदराबाद गए होंगे जहां उनका भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनका स्वागत कर दिया है। तो निश्चित तौर पर जो स्थिति इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के अंदर आरसीपी सिंह को लेकर बनी हुई है और जिस तरीके से ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो कि तेलंगाना का था उससे निकलकर सामने आया, उसके बाद कई जो सवाल थे वो खड़े हो गए थे। हालांकि हमने आपको पहले भी ये खबर दिखाई है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में जो खींचातनी है वो जग जाहिर है। वहीं जिस तरीके का रिश्ता इस वक्त आरसीपी सिंह और जनता दल यूनाइटेड का बना हुआ है और जिस तरीके के बयान आरसीपी सिंह के सामने आते हैं उसके बाद अगर इस तरीके की चर्चाएँ सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल जो बड़ी खबर हमने आपको दिखाई थी वो आरसीपी सिंह से जुड़ी हुई थी। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सुशील कुमार मोदी ने भी ट्वीट किया है और आरसीपी सिंह का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो चर्चा चल रहा था उसे पूरी तरीके से सुशील कुमार मोदी ने खंडन किया है। लोग यहाँ दिल्ली बम्बई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।